सो फाइनली गाइज गुड मॉर्निंग, संडे का दिन है, सुंदर सी सुबह हो चुकी है बारिश के साथ में। और कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी फ़िलहाल में आज सुबह सुबह मैंने सोचा था कुछ शूट नहीं करूँगी, बट एक्चुअली मैं उठी तो बारिश हो रही थी और अभी हार्डली मतलब 7 भी ठीक से नहीं बजे होंगे मेरे ख्याल से, 7:15 समथिंग, 6:30 समथिंग टाइम है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और आज संडे है बट मुझे ऑफिस आज जाना है, कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है आज ऑफिस। और मेरी गाइज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्यों मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इतने सारे व्यूअर्स आते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं बारिश इंजॉय करती हूँ और थोड़ा बहुत जो भी आज दिन में शूट कर पाऊँगी मैं करूँगी, क्योंकि गाइज एक्चुअल में हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट होने वाला है एक बहुत ही ग्रैंड भोलेनाथ का मेला, जिसको हम कांवड़ यात्रा बोलते हैं। अगर यूपी से जो लोग भी हैं उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ट्रैवलिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो भी रोड्स हैं वो सारी रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, तो हम लोग को ऑफिस लिटरली पैदल चल के जाना पड़ता है। मुझे तो फिर भी चल जाता है क्योंकि मेरा ऑफिस पास में है, लेकिन जो दूर वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी वो भी होगा तो उसको मिस मत करिएगा। कम से कम 5 से 6 दिन वो मेला चलता है और मैं पूरा आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। जितनी भी कांवड़ आएंगी, जितनी भी बड़ी बड़ी ग्रैंड कांवड़ जाती हैं, सबकी क्लिपिंग्स मैं आप लोग को दिखाऊंगी, हो सका तो लाइव व्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ इन सब ब्लॉग्स की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो आपसे। तो चलिए अभी थोड़ा सा बारिश इंजॉय करते हैं, कुछ आपको भी कुछ सिनेमेटिक्स दिखा देती हूँ। सो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए रेडी, नहा धो के, और बारिश लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरा ऑलमोस्ट ऑफिस का टाइम होने वाला है बट बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि अभी कोई सीन ही नहीं है मेरा निकलने का। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ वापस से, सुबह जैसे हो रही थी, जैसे मैंने सुबह दिखाई थी जस्ट एग्जैक्टली उतनी ही तेज अभी भी हो रही है। आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने ली है चाय और साथ में मैंने लिया है एक सैंडविच, जो कि है पनीर सैंडविच, पनीर और कुछ वेजीज काट के डाली हुई है, उसका मैं सैंडविच खाने वाली हूँ। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, मिलते हैं फिर आपको बाद में। सो हाय गाइस, वापस से मैं आ गई हूँ ऑफिस में थी। अभी मेरा हो रहा है लंच टाइम, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 1:24, मतलब 1:30 बजने वाला है, तो ऑलमोस्ट लंच टाइम है। और बाहर का वेदर इतना ख़राब है गाइस, मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं ऑफिस के लिए निकलने का वेट कर रही थी और लिटरली तब से इतनी ज़्यादा हैवी रेनिंग हो रही है ना, हद से ज़्यादा। तो एनीवेज अभी लंच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मम्मी ने लंच में क्या क्या रखा है। तो लंच में मम्मी ने रखा है आज ये मिक्स वेज विद पनीर, मतलब इसके अंदर रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर्स, पनीर और कैरेट्स डाल के कुछ हेल्दी सी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई है। यहाँ पे फ्राइड मिर्ची है, हैंड्स अप इफ़ यू आर अ मिर्ची लवर, क्योंकि मुझे तो मिर्ची खाना बहुत पसंद है। तो ये फ्राइड मिर्ची मेरी मम्मी ने बनाई हुई है और साथ में मैं लेके आई हूँ पराठा। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मैं अगर लेके आती हूँ तो मैं छोटे छोटे ही लेके आती हूँ, तो साथ में मैं लेके आई हुई हूँ पराठा। तो चलिए अभी फटाफट से मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ। सो चलिए फटाफट से मैं अपना लंच फिनिश कर देती हूँ, मेरा लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। हैंड्स अप गाइस, अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है खाना, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है, हरी सब्जियां हो, कैसी भी सब्जियां हो मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पसंद होती है, या आप उनमें से कुछ हैं तो हैंड्स अप करिएगा। और गाइस इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं लंच करके एक बार आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, गंदी वाली बारिश हो रही है आज, गंदी वाली इसको बोलते हैं। आई डोंट नो मैं शाम को घर कैसे जाऊँगी। सो गाइज आज मैं ऑफिस से आई तो हो रही थी जमा जम बारिश, तो बारिश में मैं लेके आई थी आज ब्रेड पकौड़े
और साथ में ये टेस्टी सी आलू की सब्ज़ी। तो घर पे आने के बाद मैंने डिनर में आज सिर्फ यही खाया, आलू की सब्ज़ी और ब्रेड पकौड़ा। सो हैंड्स अप कि आपको आलू वाला ब्रेड पकौड़ा पसंद है या पनीर वाला। मुझे तो सिंपल आलू वाला जो होता है वही मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही मैंने खा के अपना डिनर इन्जॉय किया। सो अगर आप लोगों को ये छोटा सा मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।